हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंजलि और आज की इस एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास में मैं आपको इमेज ट्रेस के बारे में बताऊंगी। इमेज ट्रेस की हेल्प से आप किसी भी इमेज को इजीली ट्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कार्टून की इमेज लेकर आ रही हूँ, जो हमारी एक कलरफुल इमेज है। और जैसे ही आप इमेज ड्रैग करके अपने डॉक्यूमेंट पर लेकर आएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर एक पैनल दिखेगा और ये आपकी इमेज सेलेक्ट होने पर ही शो होगा, अदरवाइज ये शो नहीं होगा। जैसे मैं इसको डीसेलेक्ट कर रही हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे वो पैनल गायब हो चुका है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं अपनी इमेज पे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक इमेज ट्रेस का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे डिफ़ॉल्ट और कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से आप अपनी इमेज को ईजिली ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर कलर के भी ऑप्शन हैं और साथ ही साथ आपके ब्लैक एंड वाइट, स्केच, लाइन आर्ट, कई सारे ऑप्शंस हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट शो हो जाएगा, आपको जिस भी तरीके से इसको ट्रेस करना है। तो सबसे पहले हम नॉर्मली यहाँ पे इमेज ट्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट ट्रेस कर देगा। अभी मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक किया है तो इसने इसको ट्रेस कर दिया है, बट आप देखेंगे अभी भी ये हमारी इमेज है, ये वेक्टर में कन्वर्ट नहीं हुई है। उसके लिए आपको क्या करना है, इमेज ट्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपेंड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे, ये जो हमारी इमेज है वो ट्रेस हो चुकी होगी, शेप में हो चुकी होगी। और उसके बाद आपको करना है अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद आपको इस तरीके से वाइट बैकग्राउंड भी इसके साथ आएगा, ये आपका डिफ़ॉल्ट आता है। तो उसको इरेज करने के लिए आप यहाँ से मैजिक वॉन्ड का यूज़ कर सकते हैं। आपको वाइट पे क्लिक करना है एक बार, जैसे आप क्लिक करें और डिलीट पे प्रेस करेंगे तो आपकी जितने भी वाइट शेप थी वो डिलीट हो चुकी है इस तरीके से। और उसके बाद आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। आप इसको कलर फिल करने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं लाइव पेंट बकेट टूल। तो अभी मैं इसमें आपको कलर फिल करके नहीं दिखा रही हूँ, और ट्रेसिंग के लिए और भी इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। तो अभी मैं इसे डिलीट कर रही हूँ और अगेन जो हमारी डिफ़ॉल्ट इमेज थी उसको लेकर आ रही हूँ यहाँ पे। और ट्रेस करने के और भी इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, आप विंडो में जा सकते हैं। विंडो में जाने के बाद आपको यहाँ से इमेज ट्रेस का एक पैनल ओपन करना है और यहाँ से आपको कलर, ग्रे स्केल और ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी जो हमने डिफ़ॉल्ट ट्रेस किया था वो एक तरीके से ब्लैक एंड वाइट ही था हमारा, और उसके बाद हम यहाँ पर कलर वाले पे ट्रेस करेंगे। और यहाँ से मेक श्योर कि आपका प्रीव्यू ऑन हो, जैसे ही आप प्रीव्यू ऑन रखेंगे आपकी जो इमेज है वो ट्रेस हो चुकी है। अगर आप जूम करके देखें तो आपकी जो इमेज है वो छोटे छोटे शेप में है, जो है कन्वर्ट हो चुकी है और ये कलरफुल है आपकी इमेज। जैसे आप इसे एक्सपेंड करेंगे और अनग्रुप करेंगे तो आप इस तरीके से देख पाएंगे कि ये जो आपकी इमेज है वो ट्रेस होकर बहुत छोटी छोटी शेप में इस तरीके से ट्रेस हो चुकी है। तो आप जब भी इसे ट्रेस करें तो कलरफुल में ना करें, क्योंकि ये जो कलरफुल ट्रेस करता है वो इस तरीके से करता है कि आप इसे यूज़ ना कर पाएँ ठीक तरीके से। और आप देखेंगे एक तरीके से पेंट इफ़ेक्ट देता है ये आपकी इमेज को। तो इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ और अगेन इसको ओपन कर लेंगे। और उसके बाद आपका एक और ऑप्शन है यहाँ पे ग्रे स्केल, जैसे आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर लेंगे तो ये आपका ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे व्यू में भी आपके कई सारे ऑप्शंस हैं, ट्रेसिंग रिजल्ट विद आउटलाइन, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका ट्रेसिंग रिजल्ट भी दिखेगा और आपकी आउटलाइन भी दिखेगी। और यहाँ पर सिर्फ आउटलाइन का ऑप्शन है, जैसे आप क्लिक करें यहाँ से आपका आउटलाइन प्रीव्यू दिखेगा और यहाँ से आपका आउटलाइन विद रिसोर्स इमेज दिखेगी। ये आपकी आउटलाइन भी शो हो रही है, ये देख सकते हैं, और ये आपकी इमेज भी शो हो रही है। उसी के साथ साथ आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा सोर्स इमेज, यहाँ पे सिर्फ आपकी सोर्स इमेज जो है वो शो होगी। तो इसका इतना कोई यूज़ नहीं है, अगर आपको यूज़ करना है तो आपको मेनली यही यूज़ होगा ब्लैक एंड वाइट वाला। और यहाँ पर भी आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे डिटेलिंग की, जिसको हम दूसरी इमेज के साथ देखेंगे। अभी के लिए मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे दो आइकन्स की इमेजेस ओपन कर रही हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे एक मेरे पास थोड़ी सी हाई रेज की इमेज है, मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी थोड़ी हाई रेज वाली इमेज है और ये हमारी लो क्वालिटी की इमेज है। इन दोनों में डिफरेंस आप देखेंगे अभी, कि मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। और सबसे पहले हम इसे ट्रेस कर लेते हैं, प्रीव्यू ऑन कर लेंगे, हमारा ट्रेस हो चुका है, और एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंड करने के बाद आप इसे अनग्रुप कर लें और उसके बाद आप डिलीट कर दें तो आप देखेंगे
ये जो हमारी इमेज है वो कितनी अच्छे से ट्रेस हो चुकी है। सेकंड जो हमारी लो रेज वाली इमेज है इसको भी हम ट्रेस कर लेते हैं। जैसे आप इसे ट्रेस करेंगे तो आपको दिखेगा ये जो हमारी शेप है वो कुछ इस तरीके से ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी तो यहाँ पे इसने इस तरीके से कर्व शेप बना दिया है। तो आप देखेंगे इसकी डिटेलिंग थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि हमारी ये लो रेज इमेज थी। और आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप कभी भी कोई चीज़ ट्रेस करते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी जो इमेज है वो थोड़ी सी हाई क्वालिटी हो या फिर मीडियम क्वालिटी की हो, क्योंकि अगर आप लो रेज वाली इमेज लेंगे तो आपकी जो ट्रेसिंग होगी वो इस तरीके से होगी। और अगर आपको इसकी डिटेलिंग पे जाना है तो आप यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर दें इस तरीके से, और अगर इसे आप कम करेंगे तो आपकी जो डिटेलिंग है वो कम होती जाएगी। ये क्या करता है, थ्रेशोल्ड आपकी इमेज से डिटेलिंग को लेता जाता है और भी बेटर तरीके से आपको यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे आपको पाथ का ऑप्शन दिया हुआ है और उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे कॉर्नर्स है, ये आपके कॉर्नर्स को क्या करता है, स्मूथ करता है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे इस साइड आप देखें तो अगर मैं इसे कम करूँ तो इसने क्या किया, कॉर्नर्स को जो हमारे ख़राब कर दिया है। और इसको इनक्रीज करते जाएँ तो आप डिफ्रेंस देखेंगे, ये आपके कॉर्नर्स को स्मूथ करता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे नॉइस का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है आप जब भी ट्रेस कर रहे हो आपकी इमेज जो है वो थोड़ी सी हाई क्वालिटी की हो और उसी के साथ साथ आप इसे ट्रेस कर पाएंगे। और यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके के शेप्स हैं और इसे भी हम यहाँ पे ट्रेस कर लेंगे। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल परफेक्ट ट्रेस हुआ है क्योंकि ये जो हमारी इमेज थी वो हाई रेज वाली इमेज थी। और यहाँ पे भी आपको एक और ऑप्शन दिखेगा, इसे मैं अभी यहाँ पे लेकर आ रही हूँ। जैसे आप इसे ट्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऑप्शन इग्नोर कलर का। जैसे आप इस पर टिक करेंगे और एक्सपेंड करेंगे तो आपका जो वाइट कलर डिफ़ॉल्ट आता है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। जो हम मैजिक वॉन्ड से इरेज कर रहे थे वही आप यहाँ से भी टिक करके इसे इग्नोर करके आप अपना वाइट बैकग्राउंड हटा सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे ईज़िली कोई भी कलर फिल करना चाहें तो ईज़िली आप इसे कलर फिल करके अपने किसी भी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें अलग अलग कलर्स ऐड कर दिए हैं आपको दिखाने के लिए कि आप इसमें ईजिली कोई भी कलर फिल करना चाहें तो कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी शेप्स हैं वो हमारी वेक्टर शेप है और इसमें आप चाहे तो चेंजेस करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट सेलेक्शन टूल सेलेक्ट करें और आप इसमें कोई भी शेप में चेंजेस करना चाहें तो इस तरीके से इसको एडिट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी शेप्स हैं वो एडिटेबल हैं। इसको मैं अंडू कर देती हूँ। और इस तरीके की शेप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आती है और अगर आप इसे ड्रॉ करने बैठेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसके लिए आप इजीली इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बाकी के ट्रेसिंग के ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ आप एक एक करके इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसमें आपको कुछ ऑप्शन ट्राई करके दिखा रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है और इसको मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ से आप इस पर क्लिक करें थ्री कलर्स पर। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो ये थ्री कलर में आपका कन्वर्ट कर देगा। इसी को मैं अंडू करके इसे सिक्स कलर्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो इसने इसको सिक्स कलर में कन्वर्ट कर दिया है। और ज़्यादा डिटेलिंग के लिए आपको यहाँ पे सिक्सटीन कलर पे क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे ये आपको उसी डिटेलिंग के साथ आपका जो इमेज है वो ट्रेस कर देगा। और जैसे आप इसे एक्सपेंड करते हैं और ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को मैं अंडू कर रही हूँ। अंडू करने के बाद आप यहां से बाकी के ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी के ऑप्शन में आपको यहां पे लाइन आर्ट का ऑप्शन दिया है, टेक्निकल ड्रॉ और लो फिडेलिटी फ़ोटो, हाई फिडेलिटी, ये सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। आप यहां से इजीली इस पर क्लिक करें और ट्राई कर सकते हैं। और इसकी डिटेलिंग के लिए आप विंडो में जाएँ और यहाँ से आप इस पर इमेज ट्रेस पर जाके इसकी हेल्प से आप इस इमेज की डिटेलिंग को वापस ला सकते हैं।
आप देखेंगे यहाँ पे ये जो हमारी इमेज थी वो बहुत ज़्यादा लो रेज इमेज थी, तो इसकी वजह से हमारी जो डिटेलिंग है वो बहुत ज़्यादा कम आ रही है। और अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो कलरफुल वाली जो इमेज है इसने काफ़ी हद तक ठीक ट्रेस किया है, बट अगर आप यहाँ से आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो ये इसको ख़राब कर दे रहा है, तो इसे हम मैं यहाँ से अंडू कर रही हूँ। मेक श्योर कि आप जब भी यहाँ से ट्रेस कर रहे हो तो आपकी जो इमेज की क्वालिटी है वो जो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी हेल्प से आप जो भी इमेज ट्रेस करेंगे हाई क्वालिटी पे ही ये आपकी इमेज को अच्छे से ट्रेस करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसे ब्लैक एंड वाइट में ट्रेस किया है, तो इसकी जो कुछ शेप्स हैं वो गायब हो चुकी हैं, और यहाँ से अगर आप इसकी डिटेलिंग को इनक्रीज़ करते हैं तो ये इस तरीके से इसकी डिटेलिंग आएगी। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे एक आउटलाइन इमेज है और एक कलरफुल इमेज है जिसमें हम ट्रेस करके कलर फिल करेंगे, और कलर पिक करने के लिए मैंने यहाँ पे ये इमेज रखी हुई है, इसको हम साइड में रख लेते हैं। और इस वाली इमेज को सबसे पहले हम ट्रेस कर लेंगे, यहाँ से मैं ट्रेस कर रही हूँ इसे। ट्रेस करने के बाद इसे हम एक्सपेंड करके अनग्रुप कर लेंगे। अनग्रुप करने के बाद इसका वाइट जो बैकग्राउंड है उसको डिलीट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा वाइट बैकग्राउंड डिलीट हो चुका है, और इसके बाद हम यहाँ से कलर फिल करके इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रही हूँ। बैकग्राउंड में हम यहाँ से कलर पिक कर लेंगे और इसे बैक साइड रख लेंगे, और इसको मैं यहाँ से लॉक कर रही हूँ। थोड़ा सा लाइट कलर चूज करेंगे हम यहाँ पे। और इसको अभी के लिए ऑफ कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसमें कलर फिल कर लेंगे। तो कलर फिल करने के लिए सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट कर लें, और यहाँ से आप लाइट पेंट बकेट टूल ले लें, और लाइट पेंट बकेट टूल लेने के बाद आपको जो भी कलर यहाँ से पिक करना है बस ऑल्ट प्रेस करके आप यहाँ से कलर पिक कर लें और यहाँ पे लाके इसे ऐड कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कलर ऐड हो जाएगा, और जहाँ पे भी आपको ऐड करना है बस आप इस तरीके से क्लिक करते जाएं, कलर ऐड होता जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ से हेयर का कलर पिक कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे ये वाले कलर भी ऐड करूँ, और यहाँ के लिए हम पिंक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें भी फिल कर देंगे। इन सभी में मैं यहाँ से पिंक कलर सेलेक्ट कर रही हूँ, और इस तरीके से इसमें ऐड करते जाएंगे। उसके बाद हम इसके ड्रेस में कलर फिल करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे हैंड कलर ऐड कर देती हूँ, जो हमारा स्किन का कलर है वही मैं हैंड्स में ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद हम यहाँ से ड्रेस का कलर ऐड करेंगे, तो यहाँ से मैंने ड्रेस का कलर पिक कर लिया है। और यहाँ के लिए थोड़ा सा डार्क कलर ऐड करके इस तरीके से ऐड कर दिए। अभी आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे कलर फिल कर रही हूँ, बट ये हमारा जो कलर है वो फिल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो हमारी शेप है वो क्लोज नहीं है। तो जब तक ये ओपन रहेगी हमारी जो शेप है वो, इसके लिए सबसे पहले हमें शेप को क्लोज करना होगा। पेन टूल का यूज़ करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे।
इसको हम बाद में भी एडजस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक इस तरीके से शेप क्रिएट कर लेंगे और इसमें ब्लैक कलर फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आप इसे बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करके तो यहाँ से इसको क्लोज़ कर दिया है। इसी तरीके से आप इसको भी क्लोज़ कर लें। शेप क्रिएट करने के बाद अभी आप देखेंगे तो हमारी ये जो शेप है वो एक अलग लेयर पे है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसी लेयर के अंदर ये शेप को ऐड कर रही हूँ। तो अब हमारी जो शेप है वो एक लेयर पे आ चुकी है और अब हम इसे सेलेक्ट करके के प्रेस करेंगे तो हमारा लाइव पेंट बकेट टूल आ जाएगा। और सेलेक्ट करके अब अगर आप इसमें कलर फिल करेंगे तो यहाँ पर ये आपका जो कलर है वो ईज़िली फिल हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी एक लाइन क्रिएट करनी है। तो मैं पेन टूल की हेल्प से यहाँ पे भी एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ। और इसको भी हम इसी लेयर के अंदर ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद अगर आप अब सेलेक्ट करें इसे वॉल शेप को और के प्रेस करेंगे तो इसके अंदर आप इजीली अब फिल कर पाएंगे कलर। इसी तरीके से हम आइज़ में और यहाँ साइड में जो स्टार्स हैं हमारे उसमें भी कलर फिल कर देते हैं। तो स्टार के लिए मैं यहाँ से ये पिंक का शेड ऐड कर रही हूँ और सिंगल सिंगल स्टार में हम इस तरीके से रैंडम कलर फिल कर देंगे। और उसी के बाद हम दूसरा शेड पिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे कलर फिल हो चुका है और यहाँ आप देखेंगे तो इसमें हाफ हमारा जो है वो ब्लैक और पिंक है। तो इसको भी हम इस तरीके से ब्लैक कर देते हैं और उसके बाद हम आइज़ में सेलेक्ट करेंगे कलर। आइज़ के लिए मैं यहाँ पे इस इमेज से पर्पल का शेड ऐड कर रही हूँ और इसकी आइज़ में ऐड कर देंगे। जूम करके आप इस तरीके से ऐड कर लें। ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है तो इसके लिए अगेन मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रही हूँ और थोड़ा सा और लाइट शेड लेंगे हम यहाँ से और अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे इमेज का कलर है वो हमने फिल कर दिया है और इसके बाद मैं यहाँ से बैकग्राउंड ऑन कर रही हूँ। और अभी आप देखेंगे लिप्स में तो ये हमारा जो शेड है वो बहुत ज़्यादा डार्क है तो इसके लिए भी आप यहाँ से के प्रेस करके इसमें लाइट कलर फिल कर दें। बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ से ग्रेडियंट चूज़ कर रही हूँ जो हमारी इमेज में ऐड है ऑलरेडी।
आप चाहें तो इसका पूरा आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे यहाँ पे, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी आउटलाइन है वो ब्लैक कलर की है। आप यहाँ से वाइट कलर भी सेलेक्ट करके इसको ओके कर सकते हैं, और या तो आप लाइट पेंट बकेट टूल की हेल्प से भी इसमें वाइट कलर फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वाइट कलर सेलेक्ट कर लें, की प्रेस करेंगे आप, और इस तरीके से आप आउटलाइन पे सेलेक्ट करके फिल करेंगे तो हमारा आउटलाइन पे वाइट कलर भी फिल हो जाएगा। तो इसे अंडू कर देते हैं, ब्लैक कलर ही हमारा जो है ठीक लग रहा है, तो इसे आप ऑन रख लें, और या तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।